हेलो फ्रेंड्स, देख सकते हैं आज मैं आपको जो स्नाइडर की मिकोम P127 रिले होती है उसको सिस्टम के साथ कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं और जो हमने इस रिले में सेटिंग की हुई है यानी कि जो प्रोग्राम बनाया है उसको कैसे सेंड करते हैं इस वीडियो में सिखाने वाला हूं। तो फ्रेंड्स वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे आपको ऐसी इलेक्ट्रिकल टेस्टिंग ड्राइंग एंड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। रिले को कम्युनिकेट करने के लिए इसका पोर्ट है और ये ऊपर इसका मॉडल नंबर लिखा होता है। ये इसकी डिस्प्ले, देखिए डिस्प्ले आ रही है, अभी देखिए इसकी डिस्प्ले आ रही है, ये करंट डिस्प्ले होती है। और मैं आपको इसमें कम्युनिकेट करके दिखा देता हूँ। अभी देखिए देखो 9 पिन का पोर्ट है, ये फीमेल हो गया, ये जो रिले का ये फीमेल हो गया, ये हो गया मेल। तो इसमें हम इसको ऐसा लगा देंगे, यहाँ पर देखिए ये लग गया है। इसको यहाँ पे टाइट कर दो थोड़ा सा, ये टाइट हो गया है। और ये इसका दूसरा पार्ट है, ये वाला इसका दूसरा पार्ट है। और ये मोक सामने USB कन्वर्टर लाया हुआ है, देखिए U port 1110, देखिए RS232 सीरियल एडॉप्टर, ठीक है। ये हम इसको डाल देंगे, हम इसमें सिस्टम में लगा देंगे। देखिए हो गया, इसको यहाँ पे इसमें लगा देंगे, यहाँ पे ये लग गया है। अब ये यहाँ पे शो करेगा हमारा उसमें। तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमने ESRG जो स्टूडियो है हमने पहले से ओपन किया है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे रिले हमने पहले से इसमें ऐड की हुई है, तो हम टेस्ट कनेक्शन कर लेते हैं। देखिए कनेक्शन टेस्ट यहाँ पे फेल हो गया, देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे आप। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे हम एडिट कनेक्शन करेंगे यहाँ पे, देखिए क्योंकि हमें यहाँ पे जो कॉम्प होता है उसको सेट करना होता है, तो डिफ़ॉल्ट में COM2 आ गया है, पहले कोई दूसरा कॉम होगा तो इसलिए कनेक्शन फेल हुआ था। दोबारा से टेस्ट कनेक्शन कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ये हमारा यहाँ पे कनेक्शन टेस्ट सक्सेसफुल हो गया है। इस तरीके से फ्रेंड्स यहाँ पे रिले को आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स मैं आपको इसमें जो हमने प्रोग्राम बनाया उसको कैसे सेंड करते हैं वो सिखाने वाला हूँ। फ्रेंड्स मैंने प्रोग्रामिंग की वीडियो पहले से बना रखी है, मैं आगे भी इस पर सिस्टम से प्रोग्राम कैसे बनाते हैं वो वीडियो बना करके इसमें डालूंगा, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमने जो हमने प्रोग्राम बनाया उसको ओपन किया, क्योंकि हम इसमें कुछ चेंजिंग करना करके इसमें सेंड करेंगे। देखिए जो हमारी CTD फ्रेंड्स वो 1500 एम्पीयर की थी, तो उसको हमने 2500 इसमें हमने करके इसमें सेंड करेंगे। देखिए हमने यहाँ पे चेंज कर दिया है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे हम इस डेटा को सेव करेंगे, ऊपर से जहाँ पे सेव का ऑप्शन है। सेव करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आप जो हमारा डिवाइस है वहाँ पे हम क्लिक करेंगे, देखिए डेटा हमारा सेव हो गया है। उसके बाद हम इसको क्लोज करेंगे और जो हमारा डिवाइस है वहाँ पे क्लिक करने के बाद सेंड का ऑप्शन आ रहा है सबसे ऊपर। देखिए जो सबसे ऊपर सेंड का ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये कनेक्शन टेस्ट करता है। उसके बाद ये इस तरीके का इंटरफेस आता है, इस तरीके की एक नई विंडो खुलती है, उस पर 15 01 50 डॉट सेट वाला जो हमारा बिट है उस पर ओके करके रिले के अंदर इस तरीके से आप प्रोग्राम को सेंड कर सकते हैं। देखें यहाँ पे हमारा प्रोग्राम यहाँ पे सेंड हो रहा है। सबसे पहले यहाँ पे टेस्ट कनेक्शन करता है, उसके बाद ये जो डेटा होता है उसको रिले के अंदर सेंड कर देता है। उसके बाद क्लोज करेंगे यहाँ पे, तो हमारा जो डेटा था जो हमारा सेटिंग थी वो फ्रेंड्स यहाँ पे रिले के अंदर सेंड हो गई है। इस तरीके से आप रिले को कम्युनिकेट कर सकते हैं सिस्टम के द्वारा और सिस्टम से आप रिले के अंदर प्रोग्राम को भेज सकते हैं। तो फ्रेंड्स यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें। आप चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे आने वाले से भी इलेक्ट्रिकल लाइटिंग ड्राइंग प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।